देख रौनक, गायत्री निवास को नचनिया निवास बना दिया। आप खुश है? तू यही चाहता था ना तू कि मैं इसे अपना लूं? ले अपना लिया, अब खुश? नहीं। मैं आपकी गृहस्थी पे मेरे नाम का कलंक नहीं लगने दूंगी, नहीं लगने दूंगी। जय श्री राम। जय श्री राम। देखा माँ, मुस्कान ने परंपरा टूटने नहीं दी। ठीक जैसे तू करती है ना हर साल पूजा, ठीक वैसे ही साधु बाबा ने बिल्कुल सही कहा। अरे जब भगवान भेदभाव नहीं करता तो हम क्या चीज हैं? कुछ नहीं। किसने तू मुस्कान की मेहनत, उसके प्यार को क्यों नजरअंदाज कर रही है? क्यों नहीं जोड़ रही उसे इस परिवार से? बोल ना माँ, इस घर से उसका नाम क्यों नहीं जोड़ रही है तू? इतना कठोर व्यवहार किस लिए? उसका नाम जोड़ू यही चाहता है ना तू? चल आज मैं तेरी ये इच्छा भी पूरी कर देती हूँ। रौनक, अब खुश है तू? देख रौनक, गायत्री निवास को नचनिया निवास बना दिया। अब खुश है तू? यही चाहता था ना तू कि मैं इसे अपना लूं? ले अपना लिया, अब खुश? अपने गृहस्थी के साथ इस नचनिया का नाम भी जोड़ दिया, खुश? नहीं। मैं आपकी गृहस्थी पे मेरे नाम का कलंक नहीं लगने दूंगी, नहीं लगने दूंगी। मुस्कान, मुस्कान। मुस्कान, मुस्कान ये क्या कर रही है? मुस्कान मुझे, मुस्कान छोड़े, क्या क्या बोल रहा है? मुस्कान छोड़े, मुस्कान ये क्या कर रही है तुम? नहीं रमन जी, मैं नहीं जुड़ सकती, मुझे इस कलंक को मिटा नहीं, मैं नहीं जुड़ सकती। क्या पागल पर छोड़, मुस्कान ये क्या कर रही हो? मुस्कान छोड़ो ये सब कुछ, पागल हो गई हो? क्या हो गया तुझे मां, क्यों कर रही है सब कुछ? मुस्कान, मुस्कान संभालो अपने आप को। ये माँ ऐसे क्यों कर रही है? जरूर कोई ना कोई बात है।
बस अब घाव भर जाएगा। हैं? ये जख्म तो भर जाएंगे रौनक जी, पर जो जख्म मेरे दिल पे लगे वो नहीं भरेंगे, वो नहीं भरेंगे रौनक जी। वहां मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेरा नाम उनके साथ कभी नहीं जुड़ेगा। मुस्कान, देखो मुस्कान, तुम रो मत, तुम रोती हो ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम जानती हो ना, तुम तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते हम। मत रो, ठीक है? विश्वास है दोस्त और उसकी दोस्ती पर, तो बस फिक्र मत करो, सब 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 ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा रानू जी, मुझे तो डर है कि सब कुछ और बिगड़ न जाए। तुम आराम करो, आप याद है। चल हमें दो मिनट बात करनी है तेरे से। वो काजल वॉशरूम में है, मैं उसे अकेला छोड़कर नहीं आ सकती। जब तक वो वॉशरूम से बाहर आएगी हमारी बात पूरी हो जाएगी। अपने बेटे को दो मिनट नहीं दे सकती तू? क्या है ऐसी बात, यहाँ नहीं कर सकता, यहाँ करना रौनक। चल माँ। रौनक तो क्या कर रही है माँ, क्या हो गया है तुझे? उस बेचारी मुस्कान ने क्या क्या नहीं किया, पूजा, आदर सत्कार, इज्जत, सबको सब कुछ तो करती है वो बेचारी। तूने क्या किया, सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी। इतनी कठोर तू कब से हो गई माँ, बोला। माँ देख, हमें लग रहा है कि तेरे दिल पे कोई बोझ है, कोई बात है जो तू नहीं बता रही हमें। जब उसकी सच्चाई पता लगी मुस्कान की, तब तू इतनी कठोर नहीं थी, तो आज फिर किस लिए? वजह क्या है माँ? सच कह रहे हैं, एक पल के इलाके से जैसे कि वो हमारी माँ नहीं है, कोई और है। तूने हमें सिखाया बचपन से सबको सम्मान दे, प्यार से बात कर, इज्जत दे, और जब नहीं देते तो तू हमें डांटती थी। फिर चाहे वो मालिक काका हो, ड्राइवर हो, कोई भी हो, तू हमेशा बोलती थी नहीं रौनक, सब एक समान है, सबसे अच्छी से बात कर। ये जो आज तूने किया, ये क्या था? अरे अगर कोई वजह है तो बताना माँ, है ना तेरा बेटा? कोई बात, कोई चिंता है, कोई फिक्र है तो बता ना माँ, किसी से कुछ नहीं कहेंगे, हमें बता दो, हम ठीक करेंगे ना सब कुछ, बोल। लेकिन तू जैसे कर रही है ना माँ, ये ठीक नहीं है, बोल माँ। ऐसे कोई बात दिल में छिपा के मत रख, फिक्र हो रही है तेरी माँ, बोल। देख रौनक, ये जो नाचने वाली है मेरे घर को बार बार अपवित्र कर रही है, और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं बोल देती हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और क्या हुआ भैया जी? हमें कुछ नहीं हुआ, पर माँ को जरूर कुछ हुआ है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें डर लग रहा है कि चीजें सुधरेंगी नहीं और बिगड़ जाएंगी। तो इस सब के चलते क्या आप हालातों के आगे हार मान लेंगे?
साला रौनक है बेटा, हार मानना हमें सीखा नहीं है। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि माँ मुस्कान को अपना ले। तो भाई जी एक काम कर सकते हैं ना, गायत्री माँ को जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है अगर मुस्कान भाभी उनको वो दे दे तो। मुस्कान हमारे प्यार को अपना ले रही, बच्चा कहाँ से देगी, ऊपर से देखेगी क्या? बच्चा? हमने बच्चे की बात कब की आपसे? माँ को सबसे ज्यादा क्या पसंद होगा? एक सास अपनी बहू से क्या चाहेगी? बच्चा चाहेगी ना? नहीं, इस बार आपको अपना दिमाग लगाना होगा थोड़ा यार। ऐसी कोई तो चीज होगी ना जो गायत्री माँ को चाहिए हो, किसी चीज की तो जरूरत होगी उन्हें। पक्का सब कुछ है उनके पास, किस चीज की जरूरत पड़ेगी? क्या अभी फिलहाल माँ के पास सुख चैन और शांति नहीं है, तो एक दिन के लिए अगर माँ वो सब कुछ करे जिससे उनका मन बहल जाए, उन्हें अच्छा लगे, तो बेटर फील करेंगे। अरे हाँ भैया जी। सॉरी। देखिए, अगर गायत्री माँ को पता लगे कि उनका दिन खास बनाने में मुस्कान भाभी का हाथ है तो सब ठीक हो जाएगा यार। चिप्पा। पापा ने दिलाई। पापा पापा आप ना जल्दी से जाके दरवाजा बंद कर दो, क्योंकि ये हमारी टॉप सीक्रेट है ना। एक मिनट। हाँ बेटा बताओ। पापा आपने जो मुझे काम दिया था ना वो मैंने कर दिया। क्या बात है। मैंने चूड़े वाली आंटी से पूछा कि उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट डे कौन सा था, फिर उन्होंने मुझे बताया कि उनकी लाइफ का सबसे अच्छा दिन वो था जब वो बस इतना ही करना है, ठीक है? माँ के दिन को सुख चैन और शांति से भर देना है, खुशियों से भर देना है। बुढ़िया को तो कल जिंदगी भर की सुख और शांति मिलने वाली है। बेटा अब तुम जाओ, उससे पहले कोई किसी को शक हो जाए। जाओ बेटा सो जाओ, गुड नाइट। हाँ ओके पापा। क्या ये करना जरूरी है? अरे यार मुस्कान कैसी बातें कर रही हो, दोस्त है ना तो विश्वास करो हम पे, ठीक है? हम जैसा कह रहे हैं वैसे ही करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? बस कल माँ खुश हो जाए। मैं बहुत अच्छी हूँ और तुझसे मिलने के बाद तो मैं और भी अच्छी हो गई। तो कैसा लगा आपको सरप्राइज? तो क्या है कि कुछ दिनों से आप हमें थोड़ा परेशान लग रही थी, तो हमने सोचा कि हम कुछ खास करें, तो बस बुला लिया आपके खास दोस्त को दिन खास बनाने के लिए स्पेशल। कल के दिन रौनक जी आपके लिए कुछ खास इंतजाम करने वाले हैं जुड़े वाली आंटी, इसीलिए कल का दिन अच्छे से बिताना और जो भी सरप्राइज मिले उसके पूरे मजे ले लेना, और सब कुछ होने के बाद एंड में रौनक जी से आप कुछ मांगोगी। ओपिनियन नहीं दे रही हूँ मैं, बताऊंगी कि आप क्या मांगोगी। पता है तुझसे मिलने के बाद ना पुरानी यादें सारी ताजा हो गई है। याद है हम लोग कैसे मस्ती किया करते थे?
हम दोनों मूवी देखने जाते थे और दिन भर इधर उधर बस घूमते रहते थे, कोई फिकर टेंशन कुछ नहीं था। आना बैठ, आ जा, तेरे लिए एक और सरप्राइज है। गोभी के पराठे? हाँ ये ले। पता है मैं ना हमेशा टिफिन लेके जाया करती थी और ये मैडम मेरा सारा नाश्ता चुरा के खा लेती थी। बिल्कुल वही स्वाद है, है ना? सच में रौनक बेटा, ये तूने बहुत अच्छा किया जो दो फ्रेंड्स को इतने सालों के बाद तूने मिला दिया। थैंक यू वेरी मच। नहीं आंटी, हमें थैंक यू, ये मत, ये पूरी प्लानिंग जो है, ये पूरा आइडिया ये इसका है, मुस्कान का। बैठो, कोई बात नहीं, उसका भी इलाज है हमारे पास। चलो। सच में गायत्री, तू बहुत लकी है जो तुझे ऐसा बेटा और उससे भी ज्यादा ऐसी बहू मिली है, तेरे बारे में इतना सोचते हैं। काश मेरा बेटा और बहू मेरी सुख और शांति के बारे में ऐसा सोचते, मुझे ऐसे सरप्राइज देते। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। गायत्री का तो पता नहीं, पर आज तुमने मेरा दिन बहुत खास बना दिया। भगवान करे ऐसा सुख चैन दिवस कभी किसी की जिंदगी में ना आए। अम्मा, एक और सरप्राइज आपके लिए। नाच लो जितना नाचना है, कुछ ही देर में बर्बादी का नाच शुरू होगा यहाँ।